वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। रूस के साइबेरियन मिलिट्री बेस पर एक रूसी सैनिक ने शुक्रवार को अपने ही साथी सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 8 जवानों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से उसने ये कदम उठाया है। आरोपी की पहचान रामबिल शामसुद्दीनों के रूप में हुई है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, आरोपी सैनिक को हिरासत में लिया गया है। नर्वस ब्रेकडाउन होने के कारण जवान ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी जवान अपनी मिलिट्री ड्यूटी के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा था। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी खतरे से बाहर हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त बेस पर उपरक्षा मंत्री एंड्रोई कार्तापोलो की अध्यक्षता में आयोग की बैठक चल रही थी। 1990 के दशक से रूसी सेना में प्रताड़न, अधिक काम लिया जाने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन हाल के सालों में इसमें सुधार हुआ है।